हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एट होम एंड स्टेइंग सेफ। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 2। कौन सा था? अ ईयर हैज 12 मंथ्स। ठीक है, इस चैप्टर की हमने वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर लिए हैं। आई होप आपने वो टेस्ट किया होगा और रफ में लिख कर देखा होगा। और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनके घर हम कॉल करके पता कर रहे हैं कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी कंप्लेंट्स आ रही है कि वो सिर्फ वीडियोस भी ऐसे ही देखते हैं और अपना कहते हैं लर्निंग वर्क चल रहा है तो हम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी टाइम किसी की भी नोटबुक मंगवा के देख सकती हूँ पीडीएफ के थ्रू कि कौन बच्चा काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, और जैसे ही आपके स्कूल ओपन होंगे आपकी नोटबुक्स चेक होंगी, तो अपना काम कंप्लीट करके रखिए और साथ के साथ लर्न करते रहिए। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। टुडे वी विल रिवाइज बुक एक्सरसाइज। ठीक है, ए पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स है वो आप रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? मैच द फॉलोइंग बाय ड्रॉइंग लाइंस। मैच करना है इनको। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुआ देखो द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मंथ्स के नेम दे रखे हैं। आप देखो लास्ट मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है? कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? जनवरी। और लास्ट कौन सा होता है? दिसंबर। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 और इसको मैच करोगे। ठीक है, थर्ड मतलब तीसरा मंथ ऑफ द ईयर। थर्ड कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। कौन सा हुआ? मार्च। तो यहाँ सेकेंड नंबर सिक्स मतलब छठा, सिक्स। ठीक है, वो कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कौन सा आया? जून। नेक्स्ट है फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? सबको पता है कौन सा होता है? जनवरी। टेंथ मंथ, दसवां महीना कौन सा होता है? कौन सा होता है वो? अक्टूबर। तो ये हो गए आपके मैचअप। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे मैचअप, क्योंकि मंथ्स नेम सभी को पता है। जनवरी फरवरी होते हैं और फर्स्ट कौन सा होता है वो आप काउंट करके बताएंगे कि थर्ड कौन सा होता है, सेवन कौन सा होता है, और उससे आप मैच करेंगे इसको। ओके बेटा, नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? ट्रू फॉल्स लिखने हैं हमें। बताना है कि ट्रू है, ट्रू मीन्स सही है, फॉल्स मीन्स क्या गलत है। राइट, टी ट्रू के लिए क्या लिखना है हमें? टी लिखना है। एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है तो हमें उसके लिए एफ लिखना है। ठीक है, फर्स्ट हम रीड करते हैं जुलाई कम्स आफ्टर जून। आप देखो जुलाई जो है जून के बाद आता है, तो आपको पता होना चाहिए। मंथ्स नेम बोलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई जून के बाद आया ना, तो ये क्या हुआ? ट्रू। ठीक है, आप शॉर्ट में इसके लिए टी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। अभी आपने मैचअप में भी किया है, ये दिसंबर जो है लास्ट मंथ ही होता है। ठीक है, तो ये ट्रू। नेक्स्ट, अप्रैल कम्स बिटवीन मार्च एंड मई। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है, और मई से पहले आते हैं, तो उन दोनों के बीच का हो गया ना ये, तो ये भी क्या हुआ हमारा? ट्रू। नेक्स्ट है नवंबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। अभी हमने मैचअप में भी किया कि 10th मंथ कौन सा होता है? अक्टूबर। तो नवंबर कौन सा हुआ? 10th मंथ होता है। नो, रॉन्ग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ। नेक्स्ट, देयर आर 7 मंथ्स इन अ ईयर। नो, आपको सबको पता है कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, 7 वाला रॉन्ग है, तो हम इसको यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है डी पार्ट, हु सेड दीज वर्ड्स। ठीक है, किसने कहे थे ये स्पोक?
फर्स्ट है इट इज अ कैलेंडर मैडम इट इज नॉट, ये किसने कहे थे? मैम से पूछा था, किसने पूछा था? गर्ल्स ने। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? गर्ल्स। नेक्स्ट है देयर इज नो पिक्चर ऑन इट, ये किसने बोला था? जब आप चैप्टर रीड करेंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर आपने रीड किया होगा तो, ये किसने बोला था? मिस वर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज अ पिक्चर ऑफ द ताजमहल ऑन इट, ताजमहल की पिक्चर है वहां पर मैम, ये किसने बोला था? ये मिस वर्मा ने बोला था। नेक्स्ट है दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, ये किसने बोला था? अलका ने, एक गर्ल थी अलका, उसने बोला था। ठीक है, तो ये आपके हो गया डी पार्ट। उसके बाद आपको कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, मिसिंग लेटर लिखने हैं आपको उसमें। फर्स्ट देखो पिक्चर है वो कौन सी है, रेड फोर्ट, लाल किला की पिक्चर है, ताजमहल। नेक्स्ट है टी ए जे एम ए एच ए एल, ताजमहल। नेक्स्ट पिक्चर इज लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल। ठीक है, देखो लोटस की तरह, कमल की फूल की तरह बना हुआ ना, तो वो कौन सा हुआ? लोटस टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, क्यू यू टी टी ए बी भी हो सकते हैं, यू भी हो सकता है, कुतुब मीनार। ठीक है, उसके बाद है बी पार्ट आपका, उसमें क्या है? गिव वन वर्ड फॉर दीज ग्रुप्स, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, मैंने आपको ये पहले कलेक्टिव नाउन में कराया है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, सेम ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है, और वो किसी भी ग्रुप से, एनिमल का हो सकता है, किसी का भी पर्सन का ग्रुप हो सकता है। इसमें आपको कुछ एनिमल्स के नेम दे रखे हैं और उनके ग्रुप को बताना है कि क्या कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक। भेड़ के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक। ठीक है, इनका मींस क्या होता है? झुंड। अ ग्रुप ऑफ मंकी, मंकी के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ट्रूप, ट्रूप। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कैटल को क्या होती है, जो बछड़े वगैरह होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हर्ड, झुंड। ग्रुप ऑफ बीज, बीज मतलब मधुमक्खियों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हाइव, एच आई वी ई, हाइव। ग्रुप ऑफ वॉल्स, ये आपको लर्न करनी है कि इनके ग्रुप को क्या कहते हैं। ठीक है, वॉल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वॉल्स मीन्स भेड़िया, और ये उसका प्लूरल है, वॉल्स बहुत सारे भेड़िए, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पैक, पैक। ग्रुप ऑफ लायन, देखो लायन अपने उसमें चलते हैं ना कि मैं जंगल का राजा हूँ, किंग हूँ, तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? प्राइड, कि उनको बहुत प्राइड होता है अपने ऊपर, किंग। प्राइड मीन्स क्या होता है? गर्व। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी पार्ट। उसके बाद ओके बेटा, देखो नेक्स्ट है ए पार्ट, जिसमें थोड़ा सा ग्रामर क्वेश्चन है, इसे मार्क फिल करना है। फर्स्ट है फरवरी डैश द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, देखो एक मंथ की बात हो रही है फरवरी की, तो यहाँ पे क्या आएगा? इज, इज। ठीक है, नेक्स्ट है देयर डैश 12 मंथ, देयर बहुत सारे मंथ की बात हो रही है कि देयर के साथ क्या लगता है? आर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। अक्टूबर एक मंथ की बात हो रही है, डैश द 10th मंथ ऑफ द ईयर, इज अक्टूबर इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। देयर डैश मैनी चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, देयर आर बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है कि देयर आर मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हैं क्लासरूम में। ठीक है, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। देयर डैश अ कैलेंडर ऑन द वॉल, देयर इज, क्यों? क्योंकि एक कैलेंडर की बात हो रही है कि दीवार पे एक कैलेंडर है। देयर इज अ कैलेंडर, एक कैलेंडर है ऑन द वॉल, वॉल मतलब दीवार। ठीक है, तो हम इतना ही करेंगे इसमें रिवाइज, ये आपको अच्छे से इसकी मैचअप, ट्रू फॉल्स और ये वन वर्ड वाला ग्रुप
जो है इनके ग्रुप को अच्छे से लर्न करना है आपको, कि ग्रुप ऑफ शीप को क्या बोलते हैं, ठीक है, और ये इज़ेमार, तो आपको ये बुक एक्सरसाइज अच्छे से रिवाइज करनी है और अब भी रफ नोटबुक में करके भी देखना है इसको, सो डैट आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए. थैंक यू बेटा.